वेलकम फ्रेंड, हिंदी टेक हेल्पर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एप्सन L3150 वाईफाई वाले मॉडल प्रिंटर को आप अपने लैपटॉप पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आपने USB से तो इस प्रिंटर को कनेक्ट किया होगा, वो भी बड़ी आसानी से। पहले भी होता था और अभी भी होता है, और USB से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं वो भी बता दूंगा कि आपको USB पे से कैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल प्रक्रिया रहती है USB से कनेक्ट करने के लिए। आपको मैं बताऊंगा कि वाईफाई से कैसे कॉन्फ़िगर करना है आप अपने प्रिंटर को। 3150 मॉडल है, बहुत ही सक्सेसफुल प्रिंटर है। तो ये इसको लैपटॉप से कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ताकि आप अपने लैपटॉप से वायरलेसली इसको कहीं से भी प्रिंट कर सकते हैं डिस्टेंस से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको एप्सन के प्रिंटर से अपने लैपटॉप के वाईफाई को कनेक्ट करना है। तो आप अपने सबसे पहले लैपटॉप के वाईफाई को ऑन करिए, और यहाँ पे देखिए एप्सन डायरेक्ट एप्सन 9E प्रिंटर आ रहा है। आप जैसे ही इस 9E एप्सन E24C32, ये एप्सन प्रिंटर जो भी है मॉडल नंबर आपका, वो यहाँ पे शो करेगा मैक एड्रेस। तो आप उसको यहाँ से इसको सिंपली कनेक्ट कर देना है, और जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। अब पासवर्ड कैसे आपको इस 3150 प्रिंटर वाईफाई मॉडल का निकलेगा, वो मैं आपको अलग वीडियो पे बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो और उसे सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है। और वो पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर देना है। अब जैसे ही आप पासवर्ड इस पर एंटर करेंगे, ये एप्सन का प्रिंटर आपके वाईफाई से लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद की प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे ये प्रिंटर हमारा कनेक्ट हो गया है, डायरेक्ट एप्सन प्रिंटर कनेक्ट हो गया है। अब हमको इसको यहाँ से इसे क्लियर कर देना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चलना है गूगल पे, और गूगल पे चलना है आपको सबसे पहले सर्च में यहाँ पे टाइप करना है एप्सन, या फिर आपके पास CD है तो आप CD से भी कर सकते हो, लेकिन आजकल CD चलती नहीं, CD का ज़माना चला गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ नेट से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्सन L3150 ड्राइवर आप सिंपल लैंग्वेज में डाल दीजिए इसमें, और हो सकेगा तो मैं आपको इसका ड्राइवर भी डाल के दिखा दूँगा, ठीक है। तो उससे पहले इसमें क्या है कि अभी हमने प्रिंटर को कनेक्ट लिया है, इसलिए इसमें वाईफाई नहीं चल रहा है, इसलिए हम फिर से अपने लैपटॉप को नेट से पहले कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो सिंपली आपको गूगल में टाइप करना है वही एप्सन L3150 ड्राइवर, और आपको पहली वेबसाइट आएगी एप्सन की, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रिंटर का मॉडल नंबर, उसका डिटेल, सारी चीज़ें यहाँ पे शो होने लग जाती है। अब आपको करना क्या है, आपका ये विंडो 10 है, 11 है, जो भी है वो आप डिटेक्ट करता है, आप उसके हिसाब से इसे इंस्टॉल ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड है, ये अपने आप ही ये पेज खुलकर आ जाएगा। इसको आपको नीचे स्लाइड करना है, और सबसे नीचे चलना है ड्राइवर पे। ड्राइवर पे आपको यहाँ से स्कैनर ड्राइवर भी डाउनलोड कर लेना है, और ये एप्सन का L3150 ड्राइवर भी डाउनलोड कर लेना है। मैंने L3150 ड्राइवर डाउनलोड कर लिया है। दोस्तों, हमने ये ड्राइवर डाउनलोड कर लिया है, एक जो है इसका प्रिंटर ड्राइवर है, एक जो है इसका स्कैनर ड्राइवर, दोनों ड्राइवर को हमने डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको चलना है डाउनलोड पे। हमने डाउनलोड जो किया था प्रिंटर को, इसको सबसे पहले ये देखिए, हमारा ये प्रिंटर ड्राइवर डाउनलोड है और ये स्कैनर ड्राइवर डाउनलोड है। तो अब हमको करना क्या है, नेट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ से अपने प्रिंटर को वापस से कनेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा एप्सन प्रिंटर है। सबसे पहले हमको अपना प्रिंटर जो है वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, इसके बाद ही वो कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि
ये देखिए हमारा प्रिंटर यहाँ पे डिटेक्ट कर लग गया। इसको सिंपली यहाँ से कनेक्ट करेंगे, और जब कनेक्ट करेंगे तो मैं पिछली बार बताया हूँ कि आपको पासवर्ड इस पे इसका डालना पड़ेगा प्रिंटर का, अगर आपके पास नहीं है तो। वो प्रिंटर का पासवर्ड कैसे निकलेगा, वो प्रिंटर से ही प्रिंट होता है, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे आप जाके देख लेना। अब आपको करना क्या है, देखिए L3150 प्रिंटर को आपको यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ सिंपली यस करना है। अब ये प्रिंटर इंस्टॉल होने लग गया है। अब देखिए यहाँ से सेट डिफॉल्ट प्रिंटर, ओके ओके, और फिर यहाँ से आपको इसे एग्री पे कर देना है। एग्री पे करने के बाद देखिए आपको यहाँ से ओके कर देना है, ये प्रिंटर आपका इंस्टॉलेशन होने लग गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे लिखा है यस नेटवर्क कनेक्शन या USB कनेक्शन। USB से या आपको प्रिंटर का कनेक्शन USB लगा देना है आपके लैपटॉप कंप्यूटर से, तो ये आपको कनेक्ट हो जाएगा, या अपन नेटवर्क से कर रहे हैं तो नेटवर्क पे अपन ने सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये प्लीज़ वेट कर रहा है, प्लीज़ वेट करने के बाद, क्योंकि हमने एप्सन के प्रिंटर को ऑलरेडी इससे कनेक्ट किया हुआ है, तो वो 3150 प्रिंटर जो उसका IP एड्रेस है उसके थ्रू ये सर्च कर लेता है। और यहाँ पे देखिए हमें मॉडल नंबर IP एड्रेस सामने दिखा दिया है। अब हमें इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसे ओके कर देना है। इसके बाद ये प्रिंटर इस पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन बड़ी ईजिली तरीके से इसमें हो जाएगा। अब देखिए इंस्टॉल हो रहा है Epson.net। नाउ द प्रिंटर ड्राइवर बी इंस्टॉल, प्लीज वेट, रुकने के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ से इंस्टॉल हो जाता है। अब देखिए हमारा प्रिंटर इंस्टॉल हो रहा है। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक आप लैन से कर सकते हैं, या तो आप वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं। लैन यानी लैन केबल के थ्रू आप अपने कंप्यूटर पे इसे कनेक्ट करके प्रिंटर के स्विच से जो भी कनेक्शन कर सकते हैं वो कर सकते हैं, या तो फिर आप वाईफाई से कर सकते हैं। देखिए हमारा ये प्रिंटर लिख दिया, प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉलेशन पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन वर्क कम्प्लीटली सक्सेसफुली, हमारा प्रिंटर इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हम इसमें एप्सन स्कैन ड्राइवर भी कर लेते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, हमारा प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। फिर भी हम एप्सन स्कैन प्रिंटर कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप दोनों चीज़ें एक साथ कर लें। ये दो ड्राइवर जो है हमारे प्रिंटर को ज़रूरत होते हैं, हमारे लैपटॉप को ज़रूरत होते हैं। फिर आपको यहां से नेक्स्ट कर देना है, सिंपली एक्सेप्ट नेक्स्ट। देखिए हमारा ये स्कैन ड्राइवर भी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, और इसे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये भी हो जाने देते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वायरलेसली कनेक्ट करना है अपने प्रिंटर को, और कहाँ से है वो भी मैं आपको प्रिंट करके बताऊंगा। तो देखिए एप्सन प्रिंटर स्कैन प्रिंट जो एप्सन का स्कैनर है वो भी इंस्टॉल हो रहा है इस पर, तब तक इसे स्कैन होने देते हैं, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले अपन चलते हैं प्रिंटर पे, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे। आप भी आ जाइए यहाँ पे, देखिए व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर है, व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए L3150 कॉपी बन गया है, यहाँ से इसे राइट क्लिक करना है और प्रिंटर को सेट डिफॉल्ट कर लेना है। सेट डिफॉल्ट करने के बाद देखिए हमारा जो प्रिंटर है बाय डिफॉल्ट प्रिंटर पे स्कैन और करेगा और प्रिंट करेगा। ये हमारा प्रिंटर इंस्टॉल हो गया है, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, हमने कोई USB केबल इस पर नहीं लगाई हुई है, और ये हमारा स्कैन प्रिंटर भी हो गया है। और यहाँ से हम डायरेक्टली जब कोई भी चीज़ प्रिंट करेंगे प्रिंटिंग प्रॉपर्टी से एक टेस्ट पेज प्रिंट करेंगे यहाँ से, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही करना है, आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो जाएगा वायरलेसली, आपको कोई USB केबल इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ऐसे ही टेक वीडियो के लिए हमें उत्साहित करते रहें। थैंक यू।